लेट्स स्टार्ट विद द पैराबोला, लेट्स कंटिन्यू। तो पैराबोला के अंदर ध्यान से देखो, अभी तक हमने क्या किया है, ठीक है, कि ये जो पैराबोला है, ठीक है, सो दिस इज योर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप, दिस इज योर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax टाइप, दिस इज योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप, एंड दिस इज योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay टाइप। ठीक है, ये चार बेसिक टाइप के पैराबोला के। अब हम दोबारा इसको पकड़ेंगे एंड इसके अंदर मॉडिफिकेशन देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, यहां से देखो, सो देखो ये पैराबोला है, ठीक, इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। अच्छा, अब इसी पैराबोला को, ठीक है, मैंने उठा के शिफ्ट किया, ठीक है, कैसे शिफ्ट किया देखो तो कहीं पर भी लेके जा सकता हूं, सेम पैराबोला को उठा के कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। लेट से मैं यहां पर लेके चला गया चलो अज्यूम करो मैं यहां पर लेके चला गया, ठीक है। नाउ अब इसकी इक्वेशन ऑब्वियसली चेंज करेगी राइट अब इक्वेशन कैसे चेंज करेगी देखो, ऐसे हो जाएगा, राइट तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जो अब नया पहले वर्टेक्स क्या था 0,0, अब जो नया वर्टेक्स है वो चेंज होके हो गया एच कोमा के, ठीक है, अब वर्टेक्स बन गया एच कोमा के। अब जो शिफ्टेड वर्टेक्स है उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, ठीक है, क्या करेंगे, वाई की जगह आ जाएगा नए वाले वर्टेक्स का के, तो ये आ जाएगा वाई माइनस के का होल स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा 4a इंटू, एंड एक्स की जगह, ठीक है, एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स माइनस एच, ठीक है। तो ये जो नया वाला पैराबोला आया, शिफ्टेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स एच कोमा के है, राइट, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या जाएगी, दैट इज y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनटू x माइनस h, ठीक है। इसका एक बड़ा सिंपल सा मैं पहले केस बताता हूं, ठीक है, ये ऑलरेडी तुम लोगों ने देख रखा है, ठीक है, ये वाला केस कहां पे देख रखा है, ठीक है, सर्कल के अंदर, ठीक है, हां जी दोबारा बता रहा हूं, देखो जरा सर्कल के अंदर ध्यान से देखो, तुमने देखा था कि ये जो सर्कल होता है जिसका सेंटर 0,0 होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, रेडियस ए एस का, राइट। अब इसी सर्कल को उठा के मैं सेंटर जो 0,0 था इसकी जगह पे शिफ्ट कर दिया मैंने सेंटर एच कोमा के, तो अब अगर सेंटर एच कोमा के है, रेडियस ए ही है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन बन जाएगी एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई की जगह आ जाएगा वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। तो वही चीज हुई सर्कल में भी, कि सर्कल का सेंटर जो पहले 0,0 था, अब 0 की जगह h आ जाए, तो x की जगह क्या आ जाता है x माइनस एच, y की जगह क्या आ जाता है y माइनस के, दैट्स इट। तो ये नई इक्वेशन बन जाती है नई पोजीशन के सर्कल की, राइट। वही काम हम पैराबोला में कर रहे हैं, क्या कि जो ओरिजिनल पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका ये यहाँ पे वर्टेक्स के अकॉर्डिंगली काम करता है, ठीक है। तो ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स क्या एच को 0,0, तो अब अगर वर्टेक्स एच कोमा के हो जाए, राइट, तो वर्टेक्स के अकॉर्डिंगली इस पैराबोला की इक्वेशन क्या चली जाएगी, y की जगह y माइनस के, तो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इनटू x की जगह आ जाएगा x माइनस h, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है जैसे y माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इनटू x माइनस 3, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इस चीज का मतलब क्या है, इसका इसको y पूरा का पूरा y ट्रीट करो, ये पूरा का पूरा, तो ये बन गया वाई स्क्वायर इज 4a इनटू, ये पूरी चीज x ट्रीट करो, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का पैराबोला, यानी कि राइट हैंड साइड वाला पैराबोला, पहली बात तो ये हमें पता चली। अब राइट हैंड साइड कहां से जाएगा, वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है, इसको इक्वल टू 0 करो तो y की वैल्यू 2 आ गई, इसको इक्वल टू 0 करिए तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो वर्टेक्स इज 3,2, ठीक है। ये जो भी इक्वेशन होती है
ठीक है, ये जो भी चीज है इसको इक्वल टू जीरो करके हमें एक्स एंड वाई मिलता है, राइट, वर्टेक्स का, तो 3.2 वर्टेक्स। तो कहने का मतलब ये पैराबोला ऐसा जाएगा, ध्यान से देखो, 1 2 3, 1 2, तो ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स एक्ट करेगा। अब यहां से राइट हैंड साइड वाला पैराबोला बनेगा, तो राइट हैंड साइड वाला पैराबोला यहां से कैसे बनेगा, देखो इट्स लाइक दिस। तो ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन ये है, ठीक है, इस पैराबोला की इक्वेशन ये चीज आई, ठीक है। 3.2 कैसे आया, देखो इस चीज को इक्वल टू जीरो किया तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू 3। इसको इक्वल टू जीरो किया तो वाई माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू 2, तो ये 3.2 आया। इस तरीके से ये वर्टेक्स हमें मिलता है, ठीक है। तो ये जो पैराबोला है ये वो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स अब 3.2 है, एच कोमा के, बेसिकली 0.0 अब नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है इसकी, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज 4a इंटू एक्स माइनस एच, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब इसके साथ कंपेयर करने के बाद ठीक है क्या चीज जाएगी, यस शुभी, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ ए टू जेड चेंज होगा, सर। आप स्टार्टिंग से समझा दोगे, मेरा नेटवर्क इशू था। हाँ जी मानस, मान एक सेकेंड बस, ये एक बार मैं एग्जांपल दे दूँ फिर मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। शुभी यस सर, माइक ऑन करो। यस सर, शुभी देखो, याद करो जो पहले पैराबोला हमने किया था, राइट, इसका क्या बोलते थे कि वर्टेक्स से ए इधर जाएंगे तो फोकस आएगा, ए इधर जाएंगे वहां से वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स आएगी, हाँ जाना। यस सर, फिर यहां से 2a ऊपर जाएंगे, 2a नीचे आएंगे तो सब कुछ हमें डायरेक्ट्रिक्स एलिप्टिक रेक्टम के एंड पॉइंट मिलेंगे, यही बोलते थे हम। यस सर, अब वही चीज इधर करेंगे। अब मेरे को ये बताओ, इस इक्वेशन के साथ जब इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो 4 क्या होना चाहिए आपका, 4a, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। बात समझ में आई, यस सर, तो इसका मतलब यह है कि ये वर्टेक्स से अब 1 डिस्टेंस इधर जाओगे, 1 डिस्टेंस इधर आओगे तो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट मिलेगा। बात समझ में आ रही है, हाँ जी, तो ये पॉइंट है ऑलरेडी 3.2, तो 3.2 से 1 इधर जाओगे तो क्या पॉइंट आएगा, थ्री इधर जाओगे 1 डिस्टेंस, तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 3.3, 3.3। ध्यान से सोच के बोलो, जब हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं एक्स चेंज करता है वाई चेंज करता है, एक्सचेंज, सॉरी सॉरी, तो क्या आएगा, 4.2, 4.2, 4.2, तो ये क्या आ जाएगा, 4.2 क्या आएगा, फोकस। ओके सर, बात समझ में आई, यस सर, अब यहां से 1 पॉइंट 1 डिस्टेंस इधर आओ तो क्या पॉइंट आएगा, से यस वर्टेक्स से आएंगे ना, 1 वर्टेक्स से 1 डिस्टेंस इधर आएंगे तो क्या पॉइंट आएगा, 2.2। तो यहां से वर्टिकल लाइन जो है ये डायरेक्ट्रिक्स एक्ट करेगी, बात समझे, तो हाँ जी सर, 2.2 से वर्टिकल लाइन क्या होगी, 2.2 से वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, फिर से बोलना, आपकी आवाज कटी, 2.2 से पास करने वाली वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, परफेक्ट। एक्स इज इक्वल टू 2, राइट, हाँ जी सर, ये फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब फोकस से कितना ऊपर जाएंगे, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट आते हैं ऊपर नीचे, 2a, 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 a1 है तो 2a कितना हो गया, 2। तो यहां से अब वर्टिकली ऊपर जाओ तो बताओ ये पॉइंट क्या आएगा, 2 डिस्टेंस ऊपर जाना है, सर 6, कैसे, अब आप अब फिर कंफ्यूज करो, आप ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। जब हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो वाई सेम रहता है, एक्स चेंज करता है, हाँ जी, और जब हम वर्टिकली जाते हैं तो एक्स सेम रहता है वाई चेंज करता है, हाँ जी ठीक सर, है, यस टेक योर टाइम, गलत नहीं बोलना, टेक योर टाइम। यस, 4.2 से 2 डिस्टेंस ऊपर गए तो क्या पॉइंट आएगा, 4.4, 2 डिस्टेंस नीचे आए तो क्या पॉइंट आएगा, 4.0, परफेक्ट, तो ये 4.0 पॉइंट आ गया, तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स आ गए, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो वही रहेगी 4a। बात समझ में आई, यस सर, यस परफेक्ट परफेक्ट मानस, हाँ जी सर, मतलब पैराबोला हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं पैरेलली से शिफ्ट कर रहे हैं हम, मतलब वर्टेक्स कुछ भी हो सकता है, वो हाँ वर्टेक्स के अकॉर्डिंगली सब कुछ ए पैरेलल, आगे पीछे जाके सब कुछ ढूंढेंगे हम, ओके सर, राइट। मानस माइक ऑन करो। यस सर, हाँ मानस भाई, अभी हमने क्या किया कि ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अब हमने क्या किया इसका वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया, ये वर्टेक्स ओरिजिन जो था अब वो वर्टेक्स बन गया एच कोमा के, तो एच कोमा के से पास करने वाला जो पैराबोला है वो ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है।
अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y की जगह y माइनस के का होल स्क्वायर 4a, x की जगह x माइनस h, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज कर जाता है, बात समझे? पहली बात तो ये, तो इस पैराबोला की इक्वेशन रहेगी, ठीक है? ये कैसे आई? अब इसका एग्जांपल ऑलरेडी तुमने देखा हुआ है, जैसे देखो सर्कल जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर 0,0 होता है, तो वही 0,0 की जगह एच कोमा के करेंगे, तो एक्स की जगह क्या चेंज आता है इक्वेशन में, एक्स की जगह एक्स माइनस एच आ जाता है, वाई की जगह वाई माइनस के, तो इस सर्कल की इक्वेशन ये आ जाती है, राइट? तो ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि अगर हम किसी इक्वेशन को एच कोमा के पे शिफ्ट करते हैं, राइट, तो एक्स की जगह एक्स माइनस एच शिफ्ट हो जाता है, वाई की जगह वाई माइनस के, राइट? वही चीज इधर हुई कि जो इसकी इक्वेशन थी जो 0,0 के अकॉर्डिंगली इक्वेशन ये आ रही है, तो एच कोमा के अकॉर्डिंगली क्या इक्वेशन आएगी, वाई की जगह वाई माइनस के, एक्स की जगह एक्स माइनस एच हो जाएगा, बात समझे? यस तो ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है, सब कुछ ढूंढने की कोशिश करनी है। तो देखो इसको प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट लिया एच कोमा के, यहां से हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ली, ठीक है? एंड यहां पर अब हम बनाएंगे पैराबोला। तो ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला ये है, पहली बात तो ये, ठीक है? अब देखो इसका फोकस वगैरह ढूंढना है, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टेंगल, सब कुछ, एंड एक्सिस वगैरह सब कुछ। तो पहली बात तो ए डिस्टेंस इधर जाओगे तो फोकस आएगा, ठीक है? अब मानस, अच्छा चलो शुभी, यहां से ए डिस्टेंस इधर जाओगे तो क्या पॉइंट आएगा, सोच के बोलना। H plus A कॉमा के। हाँ परफेक्ट, एक्स में ए ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा एच प्लस ए कोमा के, ठीक है? ए डिस्टेंस पीछे आएंगे तो क्या पॉइंट आएगा, H minus A कॉमा के। हाँ कोमा के। यहां से वर्टिकल लाइन की इक्वेशन, X is equal to H minus A। परफेक्ट, तो ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ये फोकस आ गया। अब यहां से शुभी 2a डिस्टेंस ऊपर जाओ, 2a डिस्टेंस नीचे आओ, क्या आएगा, एच कॉमा के माइनस 2A। h प्लस a कोमा k प्लस 2a, हाइट 2 से इंक्रीज, 2a से इंक्रीज की, बाकी हाँ x सेम जी, रहेगा, और नीचे आए तो h प्लस a कोमा k माइनस 2a, बात समझ में आई? तो यस सर, दीज आर द फोकस लेटेस्ट इज रेक्टम एंड नीचे। पॉइंट्स, फोकस ही ऊपर नीचे जाना है, ओके सर, राइट? तो ये हमारा पैराबोला हो गया, दैट्स इट, दैट्स इट, यही काम हमें करना है। मानस क्लियर हुआ, यस सर। राइट? तो हमें यही काम करना है, हमें बस ये वाली इक्वेशन दे रखी होगी, उससे ये हमें सारा का सारा पैराबोला प्लॉट करना है, ठीक है? चलो अब एग्जांपल के लिए ये पैराबोला प्लॉट करो, शाबाश। ठीक है, ध्यान से प्लॉट करना, जल्दी कोई भी डाउट आएगा प्लीज पूछना। तो क्या करना है प्लॉट करने के लिए, सबसे पहले जो अपने को पैराबोला है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम एच के एंड ए निकालेंगे। तो कंपैरिजन से एच कोमा के क्या आ रहा है इसका, 3,-1, एंड 4a की वैल्यू 7 आ रही है, तो ए की वैल्यू 7/4, हिमानी क्लियर है ना? ठीक, यस सर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स रहेगा 3,-1, ये यहां से अब पैराबोला बनेगा राइट हैंड साइड, क्यों? क्योंकि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है, तो यहां से राइट हैंड साइड का पैराबोला क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे, बात समझे? यस सर। अब हमारा रूल क्या है, रूल ये बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है दैट इज 3,-1, यहां से ए डिस्टेंस इधर जाएंगे तो फोकस आएगा, बात समझे? सर, हमने हर एक में एक ही डिस्टेंस आगे जाना है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला लेके जा रहे हैं ना, ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था यहां से कितना आगे जाते थे फोकस आता था, पता नहीं सर। ए। नहीं सर, मैं एक कह रही हूँ, ए नहीं बोल रही। ए आगे जाएंगे ना, तो ए डिस्टेंस क्या समय को क्लियर नहीं हो रहा। सुनो सुनो मैं बोल रहा हूँ, जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला बनता है, इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस ए मतलब जो क्या आता है 0,0, गलत, सॉरी 4,0, सॉरी ए सर कोमा सर। जीरो। तो ए कोमा जीरो कैसे आया, यहां से ए डिस्टेंस इधर जाके, पक्का? हाँ जी, इसका मतलब ये है कि
कि वर्टेक्स से ए डिस्टेंस इधर जाएंगे तो मेरे को फोकस मिलेगा, तो ये वर्टेक्स से ए डिस्टेंस इधर जाओगे तो मेरे को फोकस मिलेगा। कंपेयर कर पा रहे हो? हाँ जी का? तो इस पॉइंट से आपको ए यानी कि 7/4 डिस्टेंस इधर जाना है, तो ये पॉइंट जो आएगा ये फोकस होगा। बात समझे? ओके सर। पक्का? हाँ जी हाँ जी। तो इस पॉइंट से 7/4 डिस्टेंस इधर जाओगे तो बताओ अगर मैं राइट साइड जा रहा हूं तो वाई सेम रहेगा, 3, -1 से 7/4 डिस्टेंस इधर जाना है ना, तो एक्स वेरी करेगा। परफेक्ट। तो एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि राइट साइड जा रहा हूं, तो क्या वैल्यू होगा? 3 + 7/4, -1। ओके सर। तो क्या आ जाएगा एलसीएम लेके? 12, 12 + 7, 19। 19/4 तो ये फोकस आ गया। बात समझे? यस सर। अब सब कुछ इसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अब ए पीछे आओगे तो जो पॉइंट आएगा वहां से वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स एक्ट करेगी। हाँ या ना? हाँ जी। अब यहां से 7/3, -1 था, यहां से ए डिस्टेंस पीछे आओ, ए डिस्टेंस पीछे मतलब 7/4 अब पीछे आओ, राइट? और ये जो पॉइंट आएगा यहां से वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स एक्ट करेगी। बात समझे? यस सर। अब मेरे को ये बताओ 3, -1 से ए डिस्टेंस आगे गए तो ये पॉइंट आ गया, अब ए डिस्टेंस पीछे आओगे तो क्या पॉइंट आएगा? तो 3, -3 आपको 7/4 डिस्टेंस पीछे आना, तो क्या पॉइंट आएगा? 3 - करेंगे 3 - 7/4। कंप्लीट बोलो ना, -1 भी, -1, ठीक है, -1। परफेक्ट। तो एलसीएम लेके क्या जाएगा? 12 - 7 दैट इज 5, तो 5/4, -1 है ना? हाँ जी। तो ये पॉइंट आ गया 5/4, -1। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट से बट इस पर्टिकुलर पॉइंट से वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x = -3 मतलब -a। अरे माता जी, ये h कोमा k जो होता है, कोई भी पॉइंट रैंडम लिया h कोमा k, यहां से पास करने वाली जो वर्टिकल लाइन होती है वो x = इस पॉइंट का x होता है, दैट इज h। बात समझे? नहीं सर। अच्छा, मैंने एक पॉइंट लिया 3,2, तो 3,2 से पास करने वाली वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पे तो ए वगैरह है ही नहीं कुछ। वो होती है x = इस पॉइंट का x 3, तो ये इक्वेशन आएगी। बात समझे? अच्छा, तो मतलब डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू एच होगा हमारा। यस, वो आ जाएगा x = 5/4। ओके, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जो निकाली अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं से बाकी निकल जाएगा। अब सुन लो, कोई बात नहीं। अब पता क्या होता है, यहां से 2a डिस्टेंस ऊपर नीचे जाना होता है तो लेटेस्ट रेक्टम के एंडपॉइंट्स आते हैं। हाँ जाना? हाँ जी। अब वर्टिकल अप डाउन जाना है 2a डिस्टेंस। अब a अगर मेरा 7/4 है तो 2a क्या जाएगा? 7/2। परफेक्ट। तो यहां से ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है 19/4, -1, यहां से 7/2 डिस्टेंस ऊपर जाओ तो बताओ ये पॉइंट क्या आएगा? सोच के बोलना, गलत नहीं बोलना, टेक योर टाइम, सोच के बोलना। तो y वेरी करेगा। परफेक्ट। x सेम रहेगा 19/4, अब y के अंदर क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या पॉइंट आ जाएगा? -1 + 7/2। परफेक्ट, 7/2, राइट? क्या आ गया ये? 5/2। हाँ जी। अब सिमिलरली नीचे जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 19/4, -1 - 7/2, सो दैट इज -9/2। समझे? तो ये लेन पॉइंट्स आ गए। बात खत्म। ओके सर, एंड वी आर डन। हाँ जी, अभी बाकी किसी को कोई भी डाउट है अभी भी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज बताओ। क्लियर हुआ? प्रियांश, तनिष, शुभी, क्लियर हुआ? यस सर। सूर्यांश? यस सर। क्लियर हुआ पापा? पक्का? हाँ जी। देख ले, डाउट आ रहा है बोल दे। नहीं, ठीक है। सारिशा साहेब, क्लियर है?
ठीक ठीक साहेब, राजवीर, प्रणव, नमन, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ठीक है, मानस भाई क्लियर है? राइट मानस क्लियर है, हिमानी, ईशिका, अर्शिया, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ओके ओके गुड गुड, अरमान क्लियर हुआ? यस सर। अनीश, आयुष क्लियर है? ठीक यस सर। गुड, अच्छा अब अगर ये चीज क्लियर है ना, क्विकली अब ये वाली एग्जांपल करो, ठीक है, एंड ध्यान से करना, अब ये क्लियर, अब ये बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए, क्योंकि देखो अगर ये फर्स्ट पैराबोला आप लोगों को क्लियर हो गया ना, तो इसके टाइप के जो और बाकी तीन पैराबोला होते हैं उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है? तो ध्यान से इसको करने की अगेन कोशिश करना, ठीक है, ध्यान से। सो इट इज y माइनस 5 बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस x प्लस 3 बाय 2, ठीक है, प्लॉट इट एवरीथिंग जल्दी, शाबाश। तो फर्स्ट वाले के अंदर तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि इसका वर्टेक्स क्या जा रहा है, कंपेयर करेंगे, अगर नहीं पता चल रहा इसको जीरो किया पहले तो माइनस 3 बाय 2, कोमा इसको जीरो किया तो 5 बाय 2, ठीक है, और विल डू द कंपेरिजन विद वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज 4a इंटू एक्स माइनस एच, ठीक है, तो ये कंपेरिजन करके, ठीक है, हमें क्या मिल गया, इसको इसके साथ कंपेयर किया तो h की वैल्यू माइनस 3 बाई 2 आ जाएगी और k की वैल्यू 5 बाई 2 आ जाएगी, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। ठीक, अच्छा अब देखो फोर ए को कंपेयर किया 5 के साथ तो a की वैल्यू आ गई 5 बाय 4, ठीक है, a की वैल्यू 5 बाय 4 आ गई। अब पैराबोला बनाएंगे, ठीक, माइनस 3 बाय 2 तो माइनस 1, माइनस 2 तो माइनस 3 बाय 2 यहां पे, 1 2 3 तो 5 बाय 2 यहां पे, तो यहां से अब बनेगा राइट हैंड साइड वाला पैराबोला, दैट इज ये, ठीक है। अच्छा दिस पॉइंट इज माइनस 3 बाय 2 कोमा 5 बाय 2, ठीक है। अच्छा अब यहां से a डिस्टेंस इधर जाएंगे, यानी कि 5 बाय 4 डिस्टेंस आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 बाय 2 प्लस 5 बाय 4 कोमा 5 बाय 2, ठीक है, x चेंज किया, x इसके अंदर बढ़ गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये एलसीएम लेने के बाद, माइनस 6 प्लस 5 दैट इज माइनस 1 बाय 4 कोमा 5 बाय 2, तो ये फोकस आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया फोकस, इधर गए तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस 5 बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 6, माइनस 11 बाय 4 कोमा 5 बाय 2, माइनस 11 बाय 4 कोमा 5 बाय 2। अब यहां से वर्टिकल लाइन जो होगी ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स एक्ट करेगी, तो वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू इस पॉइंट का x, दैट इज माइनस 11 बाय 4, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 11 बाय 4, ठीक है, एक तो चलो ये चीज हो गई। Then next is, ठीक है, then next is कि यहां से 2a distance ऊपर 2a distance नीचे जाना है, तो latest rectum के end points आएंगे, तो a अगर 5 by 4 है तो 2a कितना आ जाएगा 5 by 2, तो यहां से 5 by 2 distance ऊपर जाओगे तो y के अंदर increase होगा, तो क्या आ जाएगा x same रहेगा, minus 1 by 4 comma 5 by 2 plus 5 by 2 that is 5, ठीक है, n नीचे आए तो ये point आ जाएगा माइनस 1 बाय 4 कोमा 5 बाय 2, माइनस 5 बाय 2 दैट इज 0, तो दिस पॉइंट इज माइनस 1 बाय 4 कोमा 0 एंड वी आर डन। हां जी क्लियर हुआ, इसमें कोई भी डाउट है, किसी को कोई भी डाउट प्लीज बताओ। चलो ठीक, अब ये जो सेकंड टाइप की इक्वेशन है इसके अंदर कुछ नहीं करना, ठीक है, स्केयरिंग कंप्लीट करनी है, दैट्स इट, ठीक है, स्केयरिंग कंप्लीट करके सारा काम करेंगे एंड फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, और कुछ नहीं करना, ठीक है, तो इन दोनों को पकड़ा, ठीक है, बाकी टर्म्स को उधर ले गए, तो ये बन गया हमारा वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 19, 19 भी उधर जाके नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो इट बिकम्स एक्स माइनस 19। अब देखो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इस 8 को लिखा 2 इंटू 4 इंटू वाई, तो दिस इज, देखो ये फर्स्ट टर्म है ये 2, तो ये सेकंड टर्म एक्ट करनी चाहिए, तो सेकंड टर्म 4 आ गई, तो प्लस 4 का स्क्वायर 16 ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा वाई माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स
सॉरी एक्स माइनस थ्री, और यहाँ पे कोफिशियंट आ जाएगा इसका वन, तो इसको कंपेयर करेंगे अब y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए इंटू एक्स माइनस एच के साथ, ठीक है। तो कंपैरिजन करके मेरे को क्या मिला, एच कोमा के जो वर्टेक्स है वो मिलेगा थ्री कोमा फोर, ठीक है। तो वर्टेक्स थ्री कोमा फोर एंड फोर ए की वैल्यू क्या जा रही है वन, तो फोर ए इज वन, तो ए की वैल्यू वन बाय फोर, ठीक है। तो देखो थ्री बाय फोर थ्री कोमा फोर वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, यहां से ठीक है पैराबोला बनेगा हमारा ये, ठीक है यहां से हमारा पैराबोला बना, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वर्टेक्स दैट इज थ्री कोमा फोर, यहां से ए डिस्टेंस आगे जाओगे ए इज वन बाय फोर, ठीक है। तो फोर ए इज वन, तो ए इज वन बाय फोर, वन बाय फोर डिस्टेंस आगे जाओगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा थ्री प्लस वन बाय फोर कोमा फोर, ठीक है, दैट इज नथिंग बट थर्टीन बाय फोर। एंड वन बाय फोर डिस्टेंस पीछे आएंगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा थ्री माइनस वन बाय फोर, ठीक है, तो दैट इज इलेवन बाय फोर कोमा फोर, ठीक है। इस तरीके से ये चीज चलेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, हाँ भाई आयुष बताता हूं, ठीक है। अब यहां से वर्टिकल लाइन ये डायरेक्ट्रिक्स सेक्ट करेगी तो आ जाएगी x इज इक्वल टू इलेवन बाय फोर, एंड टू ए डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टू ए डिस्टेंस आ जाएगा वन बाय टू, इसको टू से मल्टीप्लाई किया वन बाय टू, तो यहां से वन बाय टू ऊपर जाएंगे वन बाय टू नीचे आएंगे, तो ये आ जाएगा थर्टीन बाय फोर कोमा फोर के अंदर वन बाय टू एड करोगे तो फोर प्लस वन बाय टू, एंड वन बाय टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा थर्टीन बाय फोर कोमा फोर माइनस वन बाय टू। तो इस तरीके से ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आयुष कौन सा वाला दोबारा बताओ जरा, है ना, स्क्वायर कैसे किया, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए भाई देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के साथ कंपेयर करना है, तो ए स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर है, राइट। तो टू ए बी वाली टर्म के अंदर एक क्या होता है, टू होता है, एक फर्स्ट टर्म होता है, एक सेकेंड टर्म होता है, राइट। तो एट को लिखा मैंने टू इंटू फोर, जो बाकी बचेगा उसको फोर लिख दिया और वाई, तो देखो टू इंटू फर्स्ट टर्म, तो फोर शुड बी द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो सेकंड टर्म फोर का स्क्वायर होना चाहिए, तो 16 इसलिए क्रिएट किया हमने जो कि सेकंड टर्म फोर का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ फोर ऐड कर दिया स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, सॉरी फोर का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो दोनों तरफ 16 ऐड किया। अब देखो ये 16 जो है इसको लिखा फोर का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो दैट इज ए माइनस बी का स्क्वायर, इस तरीके से वाई माइनस फोर का स्क्वायर बना, एंड ये चीज एज इट इज। हाँ जी क्लियर है, बाकी सबको क्लियर है स्क्वायरिंग कंप्लीट कैसे की एंड ऑल दैट, इमानी राइट ठीक है। चलो तो इस तरीके से ये पैराबोला बना, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप का पैराबोला, ठीक है, अगेन कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, y माइनस के का होल स्क्वायर इज 4a इनटू x माइनस h, तो होता क्या है ये सब कुछ h कोमा k जो है हमारा वर्टेक्स उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सेम चीज करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए इंटू एक्स माइनस एच, ठीक है। जैसे एग्जांपल y माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू, मान लो ये, तो क्या करेंगे, जो इसका वर्टेक्स होता था 0,0 से राइट हैंड साइड वाला पैराबोला, ऐसे अब ये एच कोमा के से राइट हैंड साइड वाला पैराबोला, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो अज्यूम करो दिस इज एच कोमा के अगेन, ठीक है, यहां से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन लगाई, अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला बनेगा, तो वो बनेगा ऐसा। अब यहां पे फोकस लाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां से ए डिस्टेंस पीछे जाते तो फोकस आएगा, अब यहां से ए डिस्टेंस पीछे होगे तो फोकस आएगा, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, एच में से ए कम करेंगे तो ये आ जाएगा एच माइनस ए कोमा, ठीक है, ये फोकस आ जाएगा, ठीक। यहां से ए डिस्टेंस आगे जाओगे तो डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एच प्लस ए कोमा के, एंड यहां से टू ए डिस्टेंस ऊपर तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स सेम रहेगा तो एच माइनस ए कोमा
के प्लस टू ए। वानी क्लियर हो रहा है? यस सर। तो ये पॉइंट आ जाएगा एच माइनस ए कोमा के माइनस टू ए एंड वी आर डन। यहां से वर्टिकल लाइन क्यों होगी डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एच प्लस ए। तो इस तरीके से ये मिल जाएगा। अब जैसे ये वाला जो है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, इसको कैसे प्लॉट करेंगे? ठीक है, तो इसको प्लॉट करने के लिए हमने पहले वर्टेक्स ढूंढा, वर्टेक्स क्या आ गया, इसको इक्वल टू जीरो किया, इसको इक्वल टू जीरो किया, तो वर्टेक्स आ गया टू कोमा थ्री एंड दिस शुड बी फोर ए, राइट। ये नेगेटिव हमें बताएगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला, ठीक है, याद रखना नेगेटिव साइन, ठीक है। तो क्या बन गया ये टू कोमा थ्री से वन टू थ्री, टू कोमा थ्री से ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला, ठीक है, टू कोमा थ्री। अब यहां से दिस इज फोर ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई वन। तो अगर ए की वैल्यू वन है तो यहां से वन डिस्टेंस पीछे आओ तो फोकस आ जाएगा। तो फोकस क्या आ जाएगा, अब टू से वन कम करेंगे तो ये आ जाएगा वन कोमा थ्री, ये फोकस आ गया। वन डिस्टेंस आगे गए तो ये आ जाएगा थ्री कोमा थ्री। यहां से वर्टिकल लाइन दैट इज एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये डायरेक्ट्रिक्स, यहां से टू ए ऊपर टू ए नीचे, तो टू ऊपर जाओगे तो ये आ जाएगा वन कोमा थ्री प्लस टू दैट इज फाइव एंड नीचे आओगे तो ये आ जाएगा थ्री में से टू माइनस करो दैट इज वन, तो वन कोमा वन, दैट इज इट, वी आर डन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला पैराबोला बन जाएगा। हाँ जी क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। राइट, चलो नो सर। अब अगर ये चीज क्लियर है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड, तो इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, प्लॉट करो। हाँ जी प्लॉट दिस, ध्यान से स्केलिंग कंप्लीट करो एंड ध्यान से करना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्केलिंग कंप्लीट करनी है, तो इन दोनों टर्म्स को उधर लेके गए, तो वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फाइव, माइनस कॉमा ले लिया, चलो अभी लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसका स्क्वायर कंप्लीट करना, तो सिक्स को लिखा टू इंटू थ्री, तो सेकेंड टर्म शुड बी थ्री, तो थ्री का स्क्वायर नाइन दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये बन गया वाई माइनस थ्री का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एंड प्लस फोर, सो दैट इज माइनस कॉमन एक्स माइनस फोर और माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। याद रखना माइनस एन कॉमन लेना, एक्स के साथ नहीं रखना। नाउ इट विल बी वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज माइनस फोर ए इंटू एक्स माइनस एच, तो एच कोमा के कंपेरिजन से आ रहा है फोर कोमा थ्री एंड फोर ए की वैल्यू वन, तो ए इज वन बाय फोर एंड इट इज ए लेफ्ट साइड पैराबोला बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव। तो इट इज फोर कोमा थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, ठीक है। तो यहां से अब लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला, ठीक, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज फोर कोमा थ्री। अब देखो यहां से ए डिस्टेंस आगे जाएंगे तो वन बाय फोर, तो 4 प्लस 1 बाय 4 कितना हो जाएगा 17 बाय 4 कोमा 3 एंड यहां से वर्टिकल लाइन एक्ट करेगी डायरेक्ट्रिक्स, तो x इज इक्वल टू 17 बाय 4। यहां से a डिस्टेंस पीछे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 बाय 4, तो दैट इज 15 बाय 4 कोमा 3, दिस इज फोकस। यहां से 2a डिस्टेंस ऊपर तो हाफ ऊपर, तो दैट इज 15 बाय 4 कोमा 3 प्लस हाफ, तो 3.5, तो 3.5 इज 7 बाय 2 एंड हाफ नीचे, तो ये पॉइंट आ जाएगा 15 बाय 4 कोमा 3 माइनस 1 बाय 2, तो दैट इज 5 बाय 2, तो लेटेस्ट रेक्टम कैन पॉइंट्स एंड वी आर डन, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है इसमें? अरमान प्लीज बताओ, अरमान कोई डाउट तो नहीं? हिमानी, नमन, प्रणव, राजवीर, सारिशा, आयुष, अनीश, क्लियर है? साहिब, शुभी, तनिश, यस सर, यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं, दो बाकी एक दो दो वर्टिकल पैराबोला और बचे हैं हमारे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो वो करके कल हम पैराबोला को खत्म करेंगे, ठीक है। चलो डन, थैंक यू।